हेलो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन जो है वहाँ पे शेयर हो रही है दोस्तों। तो मैं ऐसे ही नहीं कि गूगल ही खोल के रखा हूँ करके आपको पहले पूरा ही दिखा देता हूँ। रुकिए, जैसे कि अभी यहाँ पे देख लीजिए, मैं जब यूट्यूब मारता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी वही ओपन होगा, वहाँ पर भी वही ओपन होगा दोस्तों। तो ये लैपटॉप की स्क्रीन आपके मॉनिटर में रहने दे, या आपके पास टीवी है, कुछ भी हो दोस्तों, उसमें किस तरीके से शेयर करना है वही दिखाऊंगा। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देख लीजिए, आपको पूरा पूरा पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए मैं वो बता देता हूँ। आपके पास जो भी मॉनिटर है, टीवी है, जो भी है चलेगा दोस्तों। उसके लिए कनेक्टर केबल कौन कौन से लगते हैं, क्या क्या लगते हैं सब बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट से शुरू करते हैं, इसको पूरा का पूरा बंद कर लेते हैं, पावर सप्लाई भी बंद कर देते हैं। तो चलिए, तो अभी जैसे कि आपका जैसे नॉर्मल लैपटॉप ऑन रहता है उस तरीके से ऑन कर लीजिए। इसके अंदर ये तो वाईफाई सब मेरे कैसे, मतलब अगर आपको लैपटॉप चलाना नहीं आता है दोस्तों, तो मेरे ऊपर यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रही होगी, उसे देखकर कैसे लैपटॉप चलाते हैं वो आप समझ सकते हैं। तो लैपटॉप को ऑन कर चुका हूँ। हाँ, लैपटॉप का क्या होता है, स्क्रीन दोस्तों छोटी रहती है, तो इससे क्या होता है दिखता नहीं है, जूम करना पड़ता है, जूम आउट करना पड़ता है, इसीलिए बार बार तकलीफ होती है। तो इसीलिए मैं ये क्या सेटअप किया, एक मॉनिटर बटा दिया, यहाँ पे कीबोर्ड है, यहाँ पे माउस है, ये सब कुछ अगर आपको चाहिए। माउस कैसे कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड कैसे कनेक्ट करते हैं, सब मेरे चैनल है, वीडियो है दोस्तों चैनल में मेरे, और एक पावर सप्लाई कैसे, मतलब करंट कैसे आ रहा है, पावर सप्लाई के बारे में सब कुछ दोस्तों, वाईफाई से कैसे कनेक्ट करते हैं सब कुछ वीडियो है, आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं क्या बताऊंगा, ये लैपटॉप की स्क्रीन मॉनिटर में कैसे जाती है बोल के पूरा डिटेल वीडियो बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका क्या है दोस्तों, लैपटॉप को देख लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इसको निकाल देते हैं, एक हाथ से मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो जैसे कि आपका लैपटॉप देख लीजिए, अगर पुराने ज़माने का लैपटॉप है तो वहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर जाकर इस साइड में देखना है दोस्तों। यहाँ पे आप जब देखेंगे HDMI करके यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहिए तो देख सकते हैं, यानी कि ये HD जो भारत जो छोड़ता है वो HD छोड़ता है। तो इसीलिए आपको क्या है, ए वाली HDMI की केबल एक लगनी ज़रूरी है दोस्तों, ए वाली HDMI की केबल लेके आइए। अगर आपका पुराना लैपटॉप है तो क्या होता है, ये जो मैंने इसके अंदर डाल रखा है, चलिए इसको भी निकाल कर ही दिखा देता हूँ। रुकिए, बस 2 मिनट का काम है दोस्तों, निकालने के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, इसीलिए आपको इसको भी निकाल कर ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये HDMI का केबल है। तो यहाँ पे क्या रहता है, पुराना अगर लैपटॉप है तो ये वाला इस तरीके का यहाँ पर ऐसा बड़ा वाला होल रहता है। तो आप इसको क्या है, डायरेक्ट इस तरीके से इसके अंदर लगा सकते हो, लेकिन इसको नहीं लगा सकते क्योंकि ये लैपटॉप नया वाला है, तो इसके अंदर इसको ए वाला ऐसा कनेक्टर केबल रहना जरूरी है। तो इसका हो जाने के बाद इसको क्या कीजिए, इसको लेके जाके ए वाली वायर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए वाली यहाँ से होके आई है, मेरे पीछे बहुत ज़्यादा वायर्स है, उसको मत देखिए। तो इसको यहाँ पे पीछे ए भी नट फिट रहता है, इसको यहाँ पे घुसा के नट फिट कर देना है। और यहाँ पे ये देखिए पावर सप्लाई आपको आपके मॉनिटर के लिए लेना जरूरी है। तो बाद में क्या है, पावर सप्लाई का बटन ऑन कर देते हैं। ऑन कर देने के बाद इतने से ही काम नहीं चलता दोस्तों, तो यहाँ पे भी एक पावर सप्लाई का बटन रहता है, अगर ऑन है तो डायरेक्ट चालू हो जाएगा, तो इसको ऑन कर लेना है। एक काम तो ये हो गया, और इसके बाद में दूसरा काम क्या है, आपको पहले इसको इसके अंदर डाल देना है। रुकिए मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, इसके बाद में क्या है, ये HDMI केबल को यहाँ पे आपको इसका किस तरीके से जाता है देख लेना है। ये नीचे जाना है दोस्तों, मतलब ये वाले जो यहाँ पे इस तरीके के जो ये है, इसको नीचे डाल देना है, इसको ऊपर से इस तरीके से डाल देना है। तो डाल के एक आपके लैपटॉप को पकड़ के हल्का सा पुश कर दीजिए कुछ इस तरीके से। रुकिए, मेरे को एक हाथ से करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो आपका लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी बंद होकर चालू हो जाएगी, बाद में इधर का जो भी है इधर थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाएगा, बाद में क्या है आपके लैपटॉप की स्क्रीन आपके मॉनिटर में, अगर टीवी भी हो दोस्तों तो कुछ नहीं है, ये वाला जो पीछे का जो एक केबल मैंने यहाँ पर घुसाया है वो टीवी में क्या आता है वो घुसा देना है। अगर वो केबल नहीं है तो और एक, जैसे कि ये वाला HDMI केबल है वैसे ही और एक HDMI केबल आता है, वो लेके आप इसमें घुसा देंगे तो भी डायरेक्ट है आपका टीवी में चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उधर थोड़े थोड़े मॉनिटर को यहाँ पे पीछे क्या है HDMI दे रहा है, अभी ये पुराना वाला बंद हो चुका है, इसको क्या बोलते हैं मेरे को भी इतना पता नहीं है। पावर सप्लाई के लिए बटन ऑन कर लीजिए आपके मॉनिटर का, ये वाला भी पावर सप्लाई ऑन कर लीजिए, इसके बाद में इस तरीके से ऑन हो गया। और क्या है, कीबोर्ड और माउस क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं कनेक्ट करके रखा हूँ, ये देखिए इसको यहाँ से डाल के रखा हूँ, इसको यहाँ से डाल कर रखा हूँ, ये तो मतलब अभी के ज़माने का, मतलब अभी के नए लैपटॉप्स का ये इस तरीके का ये आ रहा है, मतलब बैटरी के लिए, बैटरी चार्ज होने के लिए। तो इसको भी निकाल के दिया था, अभी इसको भी डाल देते हैं। चलिए,
तो जी हाँ दोस्तों, बड़े आसानी के साथ इस तरीके से आपके दोस्तों लैपटॉप का स्क्रीन लैपटॉप के स्क्रीन मॉनिटर में इस तरीके से शेयर कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, और यहाँ से भी देखिए अभी मैं यहाँ से भी जो भी चाहिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं देखिए यहाँ पे मेरा पूरा सेटअप ही है। मैं यहाँ पे चेयर है मेरे पास, इसको लेता हूँ, यहाँ पे बैठ जाता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट इधर ही बैठ के कुछ इस तरीके से आराम से यहाँ से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता हूँ ये माउस की मदद से। और यहाँ से कुछ भी चाहिए टाइपिंग भी कर देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इसके अलावा कुछ भी सवाल नीचे में दस कमेंट कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।